Okay, All the okay. best. Thank you, All ma'am. the best. Thank you. Okay. Good morning, everyone. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ पर मैं और मेरी एक्सपर्ट्स की टीम कल्पना देवनाथ मैम अर्जुन अवॉर्डी एंड इंटरनेशनल जज जसबीर बाबरा मैम इंटरनेशनल जज एंड वर्षा उपाध्याय मैम इंटरनेशनल जज आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ. वेल, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज जिम्नास्टिक्स डांस, जिसमें कंटेम्प्रेरी बॉडी वेव्स होंगे. अब बॉडी वेव्स का क्या महत्व है? ओके, तो जिस तरह समुंदर की लहरें एक लय में प्रवास करती है, तो वो नजारा दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, राइट? यस, तो उसी तरह जिम्नास्टिक्स में शरीर को सौंदर्यपूर्ण लचक देने में बॉडी वेव्स काम करती है. रिदमिक जिम्नास्टिक्स में आपके हाथ और शरीर के मूवमेंट्स बहुत ही स्मूथ होने चाहिए. तो जो बॉडी वेव्स है हमारे शरीर के हर एक हिस्से को बहुत सफल बनाती है, जिससे ग्रेस बढ़ता है. इस बॉडी वेव्स का महत्व जिम्नास्टिक्स में बहुत सारी चीजों में माना जाता है, जैसे कि आप जब भी कोई कनेक्शन करते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक बॉडी स्किल करते हो जिसे हम डिफिकल्टी एलिमेंट्स बोलते हैं, तो डिफिकल्टी से करने से पहले या डिफिकल्टी को जोड़ते ही उसके बाद, या किसी भी डांस स्टेप में, तो इन सब में हम बॉडी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जिमनास्ट कोई भी स्किल सीखने से पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? वार्मिंग अप सेशन, करेक्ट? सो फर्स्ट वी विल डू आवर वार्म अप, जिससे हमारे मसल्स जॉइंट्स वार्म्ड अप हो जाएंगे, हमारे मूवमेंट्स फ्री और ऑप्टिमम लेवल तक हमें करने मिलेंगे. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा वार्म अप सेशन. निकिता मैम, क्या आप संयुक्ता को स्पॉटलाइट पे ले सकते हैं? हाँ जी, मैं करती हूँ. ओके, तो आज हमारे साथ हमारी एक छोटी जिमनास्ट है जो सिर्फ 8 साल की है, और शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग जिमनास्टिक्स. उसे जिमनास्टिक्स करना मतलब शी लव्स, शी ईट्स जिमनास्टिक्स, शी थिंक्स जिमनास्टिक्स. तो ऐसी एक छोटी जिमनास्ट है 8 साल की हमारी, दीता साडविलकर, जो आज हमारे साथ वार्म अप सेशन करेंगी, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप सभी लोगों के लिए. तो सभी बच्चे खड़े हो जाए. ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा रनिंग. हम रनिंग इस प्रकार करेंगे कि पहले हम चेयर को पकड़ के 30 सेकेंड्स तक अपने जो पैर है वो हमारे सीट को लगाएंगे. दीता, कैन यू शो? यस. और उसके बाद 1 मिनट के लिए हम वॉकिंग करेंगे अराउंड द चेयर. दीता, आप चेयर के गोल घूम सकते हैं वॉकिंग करते? यस. तो ये 10 सेकेंड के लिए हम वॉक करेंगे, उसके बाद वापस 30 सेकेंड्स के लिए हम रनिंग करेंगे. ऐसे हम 2 बार करेंगे, ठीक है जिमनास्ट? सो लेट्स बिगिन. रेडी एंड स्टार्ट रनिंग. यस 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 यस, आपके पैर को लगने चाहिए. कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड. यस, run 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 faster faster faster, go 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 go, very good very good very good, and stop. Walk for 10 seconds around the chair. Okay, I want light. Yeah, light chahiye yaar. And stop. Again, start running. Run, run, run. Come on, gymnast. Faster, 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 faster. Yes, yes, yes. Good, very good. And stop.
Simple walk. Very good, very good. Okay, and stop. Rita, can you remove the chair, darling, please? Thank you. And gymnast, let's start with our warming up. Nikita ma'am, Sayukta ke laptop ko aap unmute kar denge please, kyunki the host is not allowing her laptop to unmute. Yes, I'll just do it. Dita, smile please. Yes? Very good. Take shoulder distance between your legs, gymnast. Haath kamar pe rakhiye. Bilkul neutral position pe head rakhiye aap. And let's start with our warming up session. Music. Next one, neck up and down. Start. Chest stretch. Start. One.
expectations. Leg distance more than your shoulder, gymnast. Legs distance. Very good. Thank you very much. It was a lovely demonstration by you. Okay, gymnast. So, इसके बाद हम सीखने वाले हैं हमारे body weights, लेकिन वो एक dance form में सीखेंगे.
एक जिम्नास्टिक्स डांस फॉर्म में. तो उससे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट संयुक्ता काले, अवर जूनियर एशियन चैंपियनशिप्स फाइनलिस्ट, जो हमें पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन देगी कि हम कौन सा डांस सीखने वाले हैं. तो शी विल शो अस अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड पार्ट बाय पार्ट, पार्ट्स पार्ट में हम ये हमारा जो डांस है वो सीखने वाले हैं आज. ओके संयुक्ता रेडी? And Deeta is helping her with the music. Thank you, Deeta. Lavender's blue, deleting lavender's green. When I am king, deleting you shall be queen. Who told you so, deleting who told you so? Was my own heart dilly-dilly that told me so. All up your men dilly-dilly set them to work. Some to the ground dilly-dilly, some to the fall. Some to make hay dilly-dilly, some to cut more. While you keep ourselves warm. Lavender's green, dilly dilly, lavender's blue. If you love me, dilly dilly, I will love you. Let the birds sing, dilly dilly, and the larks play. We shall be safe, dilly dilly, out of harm's way. I love to dance, dilly dilly. I love to sleep. When I am queen, dilly dilly, you'll be my queen. Who told me so, dilly dilly, who told me so? I told myself, dilly dilly, I told me so. Okay, thank you Sayukta for showing such a lovely demonstration. Gymnast, I hope aap sabhi ko ye dance bahut pasand aaya hoga. I'm getting lots of comments in the chat box. Yes, it's really very beautiful dance. And aaj hum yahi dance sabhi log seekhne wale hai. Okay, so pehla part hum seekhte hai. Bacho, you have to sit down for the first part. Sabhi log baith jaiye niche. Sayukta, kis tarike se baithna hai? आपके पैर आपको आगे जोड़ने हैं, ठीक है? और आपके हाथों से आपके पैरों को हग करना है और नीचे अपना सर नीचे रख के स्टार्ट पोजीशन लेनी है, ठीक है? इसके बाद हम करेंगे फॉर द फर्स्ट फोर काउंट्स यू हैव टू जस्ट लुक अप. 1, 2, 3 and 4. यस. फॉर द नेक्स्ट फोर काउंट्स यू हैव टू कीप योर आर्म, आपका हाथ आपके चिन पर रखना है. 5, 6, 7 and 8, ठीक है? थिंक दैट आप कुछ सोच रहे हैं, वाओ मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मुझे अभी क्या करना है, मैं कैसे सुंदर लगूंगी. सो इस तरीके के विचार आपके मन में होने चाहिए जब आप थिंक कर रहे होंगे. इसके बाद हम करेंगे सेक्टर नेक्स्ट मूवमेंट. आप अपना एक हाथ खोलेंगे सभी लोगों के लिए, फिर दूसरा हाथ खोलेंगे कि अभी मैं मेरा डांस शुरू करने वाली हूँ, ठीक है? अभी देख लेना आप सभी लोग. और फिर अब हम अपने पैर है वो स्ट्रेट करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हम अपना राइट हैंड वेव करेंगे दो बार, 1 and 2. फिर लेफ्ट हैंड वेव करेंगे, 3 and 4. फिर उसके बाद हम दोनों हाथ एक बार वेव करेंगे एक साथ, 1, और हम एक क्राउन पहनेंगे अपने सर पर, ठीक है?
अपने सर पर एक क्राउन पहनेंगे और ये क्राउन पहनते वक्त आपको सामने देखना है. सही तक कैन यू फेस अस टू द ऑडियंस? क्राउन पहनते वक्त नहीं, सिर्फ अपना सर आप मेरी तरफ करोगे, आपके पैर वहीं पर होंगे, सिर्फ सर मेरी तरफ. यस, सो दैट यू आर अ प्राउड क्वीन. ठीक है, आप एक प्राउड क्वीन हो, उस तरीके से आप अपने सर पर एक क्राउन पहनेंगे. उसके बाद आप एक कनेक्शन करेंगे. कनेक्शन किस तरीके से होगा? आप अपने पैर बेंड करेंगे और एक पैर राइट लेग आप अंदर की तरफ डालेंगे, स्ट्रेट करेंगे और टर्न करके अपने घुटनों पर बैठ जाएंगे. ठीक है, टर्न करके अपने घुटनों पर बैठ जाएंगे एंड देन यू विल शो दैट यू आर द क्वीन अगेन. यस, इसके बाद हम अपने जो हाथ है वो अपने टोज को पकड़ेंगे. एवरीवन कैच द टोज. सभी लोग अपने टोज को पकड़े. ठीक है, अब हम करेंगे आर्च. पहले आर्च करिए संयुक्ता और फिर हुक करेंगे आगे जाके, बहुत ही नजदीक अपने पैरों के एंड अप. ये दो बार करेंगे एंड टू अप. और इसके बाद हम करेंगे रिवर्स वेव. पहले हुक करेंगे जहां पर आपकी चिन आपके चेस्ट को लगेगी एंड देन आर्च करके जब आप उठ रहे होंगे तब आपका एक राइट हैंड आपके हार्ट पर जाएगा. ठीक है, आपके हार्ट पर जाएगा. और एक बार करेंगे सेम वेव एंड अगेन आपका हाथ हार्ट पे. उसके बाद आप एक फैन करेंगे अपने पैरों से. संयुक्ता कैन यू शो फैन? यस, फैन करके घुटनों पे बैठना है लेकिन सीट ऊपर उठानी है और हाथ सामने. यस, ओके. उसके बाद हम हाथ नीचे रखेंगे और हुक एंड आर्च की वेव करेंगे. हुक जहां पर आपकी चेन आपके चेस्ट को लगती है. ठीक है, और फिर आर्च. आर्च करते वक्त ट्राई करिए कि आपका सर ज्यादा से ज्यादा पीछे हो. ठीक है, ये दो बार करेंगे हम लोग, वन एंड टू. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब हम करेंगे कोशिश ये म्यूजिक के साथ करने के लिए. जिमनास्ट रेडी? हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डांस. यस, संयुक्ता विल डेमोन्स्ट्रेट और आप सभी लोग इसके साथ करेंगे, कोशिश करेंगे करने के लिए. हम दो तीन बार करेंगे, डोंट वरी. म्यूजिक. ठीक है, हम और एक बार यही रिपीट करेंगे. संयुक्ता थोड़ा लाउड होना काउंट्स के साथ ताकि बच्चों को सुनाई दे. हम वापस करेंगे सेम पोर्शन. ठीक है, रेडी? क्लोज योर लेग्स. यस, एंड म्यूजिक. All of your mandolins in a step and two more.
वेरी गुड जिमनास्ट, बहुत अच्छे. अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है. संयुक्ता थोड़ा पीछे हो जाइए. यस ओके. अब हमने यहाँ पर खत्म कर लिया हमारा वेव. अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम हमारी फुल बॉडी को वेव करने की कोशिश करेंगे. जैसे हम जाएंगे पहले नीचे, जिमनास्ट वॉच, हम अपने शरीर को आगे पुश करेंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे और वापस पीछे आएंगे. ठीक है, हम एक बार और करते हैं. जिमनास्ट प्लीज ट्राई विद संयुक्ता, कम ऑन, रेडी एंड पुट योर हैंड्स ऑन द फ्लोर, चिन लगाइए नीचे. यस यस यस, कम ऑन एंड पुश योर बॉडी फॉरवर्ड. यस, पुश योर बॉडी फॉरवर्ड एंड अप 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 एंड बैक. वेरी गुड वेरी गुड. इसके बाद हम उठने वाले हैं, तो किस तरीके से उठ रहे हैं हम देखिए. लेफ्ट लेग आगे रखिए अपना, लेफ्ट लेग आगे रखिए, अप स्टैंड अप और राइट पैरों को क्रॉस करिए आगे से एंड टर्न ऑन टोज. वेरी गुड. वापस एक बार करेंगे हम. संयुक्ता कैन यू डू वन मोर टाइम. यस, उठेंगे, राइट लेग क्रॉस करेंगे एंड वी विल टर्न. वेरी गुड ओके. इसके बाद हम अपने पैरों को शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा आउटसाइड हम टर्न करके खड़े रहेंगे. हाथ अब हमारे बाजू में होंगे, ठीक है, और हम करेंगे वेव. यस, जहां पर आपके हाथों से आप अपने शरीर को हग कर रहे हो और अप ओपन. वापस एक बार संयुक्ता, वन एंड ओपन. जिमनास्ट करिए आप संयुक्ता के साथ वापस एक बार. संयुक्ता कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम. यस एंड वन, हग योरसेल्फ एंड ओपन एंड क्लोज एंड ओपन. वेरी गुड वेरी गुड. इसके बाद हम करेंगे साइड टू साइड वेव. यहाँ पर आपके जो हाथ है वो राइट साइड में होंगे सभी के. यस, और फिर हम बेंड करेंगे एक साइड पे. संयुक्ता कैन यू बेंड. यस, आपके पैर भी बेंड है और साइड में आप झुके हो. फिर आप अपने हाथ नीचे टच करके दूसरे साइड में बेंड करेंगे और ऊपर होंगे. आपके पैर क्लोज हो जाएंगे. फिर वापस लेफ्ट साइड से करेंगे ओपन एंड बेंड टू द साइड, टच योर हैंड्स डाउन, बेंड टू द राइट एंड क्लोज योर लेग्स. ठीक है, सही. तो वन मोर टाइम प्लीज दिस वेव सभी के लिए. यस जिमनास्ट प्लीज रिपीट विद संयुक्ता दिस वेव. हैंड्स एट द राइट साइड, आपके हाथ राइट साइड में होंगे. आपके पैर शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ओपन. यस एंड साइड बेंड, टच द फ्लोर, साइड बेंड एंड अप, क्लोज योर लेग्स एंड अनदर साइड, साइड बेंड, टच द फ्लोर, साइड बेंड, ओपन एंड क्लोज. इसके बाद आप अपने हाथ कमर पे रखेंगे, ठीक है. अब हमारी वेव देखिए, पहले एक बार देख लीजिए. आप ऊपर से शुरू करके अपने हिप्स से लेके घुटनों तक जाएंगे और फिर अपने घुटनों से आगे पुश करके सीट को आगे पुश करके अप होंगे. संयुक्ता वन मोर टाइम प्लीज. स्लोली 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 वेरी स्लोली. यस यस एंड डाउन एंड पुश फॉरवर्ड विथ योर वेस्ट, आर्च करके अप. जिमनास्ट करिए सभी लोग संयुक्ता के साथ. वेरी स्लो संयुक्ता, रेडी एंड अप. वन टू थ्री फोर एंड फोर टू थ्री वन. यस, वापस एक बार संयुक्ता, यही वेव. बहुत लोगों को ये कॉपी करना है हमें. चलिए करिए वापस. अंडरस्टैंड, लेट देम अंडरस्टैंड वन मोर टाइम. वेव वेरी स्लोली संयुक्ता, वेरी स्लोली वेरी स्लोली गो. यस, पुश योर सेल्फ बैकवर्ड. उसके बाद आपकी जो कमर है वो पीछे जाएगी और आप घुटनों पे थोड़ा सा बेंड होंगे.
उसके बाद आप अपनी सीट को आगे पुश करेंगे. यस, पेल्विक को आगे पुश करके आर्च करके अप. ओके जिमनास्ट, तो ये करेंगे हम दो बार. उसके बाद संयुक्ता आप अपने पैर खोलेंगे और फ्रंट बेंड करेंगे, अपने हाथों से अपने पैर को हग करेंगे. ठीक है? यस. एंड अप एंड आर्च, जैसे हम बैक बेंडिंग करते हैं उसी तरीके से, लेकिन आपके हाथ की पोजीशन देखिए किस तरीके से है. संयुक्ता एक बार, संयुक्ता फ्रंट बेंड से करिए प्लीज. फॉरवर्ड बेंड में आप अपने हाथों को अपने पैरों से जो हग करने की कोशिश करेंगे, और फिर पीछे जाते वक्त आपके हाथ नीचे से कान के पास से ऊपर आएंगे, और सेम हम करेंगे दूसरे साइड से भी. एंड वन, हग योर लेग अप एंड बेंड बैक एंड अप. ठीक है? तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट. संयुक्ता हम ये पूरा पहले एक बार काउंट्स के साथ करेंगे, फिर म्यूजिक के साथ करेंगे वापस. रेडी जिमनास्ट, आप बैठ जाइए नीचे. यस, पहले हम करेंगे काउंट्स के साथ. रेडी एंड गो. 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 and open your legs. Take a wait and open your legs. And hands at the side. Yes. And wave. Hug yourself. And open. Hug yourself. And open. Iske baad haath right side mein jaake. Side wave. Bend. Touch the floor. Bend. And up. Close your legs. Open. Bend. Touch the floor. Bend. And open. Close your legs. इसके बाद स्मॉल वेव दो बार. 1 and up and 2 and up. इसके बाद ओपन योर लेग्स बिहाइंड एंड बेंड फॉरवर्ड, हग योर लेग अप एंड बैक एंड अदर साइड बेंड फॉरवर्ड, हग योर लेग and back और पीछे. very good संयुक्ता, very good, very good. ठीक है? तो हम ये करेंगे म्यूजिक के साथ. संयुक्ता with music please. बहुत अच्छे जिमनास्ट, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. वन मोर टाइम संयुक्ता विद द म्यूजिक, सेम पोर्शन. जिमनास्ट सिट ऑन द फ्लोर, सभी लोग बैठ जाएंगे नीचे. यस एंड स्टार्ट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी हम सीखेंगे हमारा थर्ड पार्ट. ठीक है? थर्ड पार्ट शुरू होगा, आपके हाथ ऊपर रखेंगे आप पहले,
एक हाथ ऊपर रखेंगे, एक हाथ नीचे होगा. यस यस ऑफ कोर्स. एंड देन आप पहले जो हाथ नीचे है उस साइड में आप बेंड हो जाएंगे. संयुक्ता प्लीज बेंड ऑन दैट साइड, जो हाथ नीचे है. ठीक है, नीचे 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 जाएंगे और फिर जो हाथ हमारा ऊपर है वो हाथ भी नीचे आएगा. एंड डाउन. और जो हाथ हमारा नीचे था वो हाथ, यस, वो हाथ हम ऊपर करेंगे. और जैसे हमें कोई खींच रहा है ऊपर हमारे हाथ को, हम खींच के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है, वन मोर टाइम संयुक्ता प्लीज. जो हाथ नीचे है हम उस हाथ को पहले नीचे खींचेंगे. गो डाउन संयुक्ता. यस. एंड देन आपका दोनों हाथ नीचे आएगा. यस. और जो हाथ नीचे था वो ऊपर चला जाएगा. और जैसे कोई खींच रहा है हमें ऊपर, हम ऊपर की तरफ हो जाएंगे. एंड सेम वे दूसरी साइड से भी. एंड डाउन. हाथ दोनों नीचे, ऊपर संयुक्ता. यस. एंड अप. ठीक है, ये हम चार बार करेंगे. रेडी संयुक्ता, रेडी जिमनास्ट. एंड स्टार्ट. E one and up, E two and up, E three and up, E four and up. Very good, very good, very good. इसके बाद हम करेंगे सेक्टर नेक्स्ट मूवमेंट. हम टोज पे जाएंगे. हमने ऑलरेडी सीखा है टोज पे किस तरीके से जाना है और टर्न करना है. यस, हम टोज पे जाएंगे और एक टर्न करेंगे सिंपल. उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वेव, वो होगी हाथ ऊपर रखिए आप सभी लोग. यस, पहले हम बैक बेंड करेंगे जैसे हमने फॉरवर्ड और बैक बेंडिंग किया है उसी तरीके से, लेकिन हाथ देखिए किस तरीके से पीछे जा रहे हैं और फिर नीचे से होके ऊपर आ रहे हैं. वापस एक बार, वन and two. Yes. And then reverse wave. Three and four. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले आगे झुक रहे हैं. तो इतना आगे झुक जाइए. किस तरीके से आगे झुकना है हमें? Yes. And then यहां से हमारे हाथ पीछे की तरफ पुश करेंगे, हमारी सीट आगे होगी और हम हाथ को ऊपर उठा के अप होंगे. ठीक है, एक बार सभी लोग करते हैं वापस इसी वेव को. रेडी सानी, रेडी? यस. एंड वन टू थ्री फोर. एंड वन टू थ्री फोर. एंड रिवर्स. टू थ्री फोर. रिवर्स. टू थ्री एंड फोर. वेरी गुड. इसके बाद हम करेंगे एक फुल बॉडी वेव जहां पर हम फुल हमारे हिप्स का, हमारे वेस्ट का पूरा रोटेशन होगा. यस, किस तरीके से होगा? पहले हम आगे झुकेंगे जैसे हम हिप रोटेशन करते हैं, वेस्ट रोटेशन करते हैं, उसी तरीके से साइड में झुकेंगे, फिर पीछे झुकेंगे, फिर दूसरे साइड एंड फॉरवर्ड एंड अनदर साइड. वन टू थ्री एंड फोर. ओके जिमनास्ट, आपके हाथ आपके कान के नजदीक रहेंगे, जितने नजदीक रह सको उतने नजदीक रहने रखना है हमें हमारे हाथों को. रेडी एंड स्टार्ट. वन टू थ्री फोर एंड फोर. थ्री टू एंड वन. और इसके बाद हम एक बाव करेंगे क्योंकि हमने हमारा डांस खत्म किया है, तो एक बाव तो होना चाहिए, एक थैंक यू होना चाहिए. जैसे एक सिंड्रेला, वाओ थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा डांस देखा इसीलिए. तो उसी तरीके से हम एक बाव करेंगे. ठीक है, बाव किस तरीके से होगा? आप पहले पैरों को खोलेंगे और सभी लोगों को अपने हाथों से, आप अपने हाथों से सभी लोगों को इंडिकेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, और पैर क्रॉस करके हमारा सर नीचे झुकाएंगे. यस, के थैंक यू वेरी मच. और फिर दूसरे साइड से
open your legs, cross your legs and bow. Thank you very much. And हमने हमारा position खत्म कर लिया है. तो हम end position करेंगे. एक पैर आगे, दोनों हाथों को cross करेंगे and finish. Very good. तो हमने हमारा जो third part है पहले counts के साथ करेंगे और फिर music के साथ एक बार करेंगे. Ready, Sayukta? Sunny, please do it on the counts first. Yes, and begin. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, and turn, 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 turn. Then back way first. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And forward wave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. इसके बाद full body wave and open your legs. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then bow. 1 and look down. 1 and look down. And our end pose. Very good. One time with the music, Sayukta. Chaliye ek baar music ke saath kar lenge hum. जिमनास्ट रेडी? सभी लोग रेडी है? ठीक है. म्यूजिक. अभी हम हमारा जो पूरा डांस है वो एक बार वापस करेंगे. ठीक है जिमनास्ट, फ्रॉम बिगिनिंग. ठीक है, टॉप से करेंगे हम और म्यूजिक के साथ करेंगे. संयुक्ता, आप अपने जो काउंट्स है थोड़ा लाउड देंगे. जिमनास्ट, सभी जिमनास्ट बैठ जाइए नीचे. एंड म्यूजिक वेरी स्लोली. यस. Up. 1, 2, 3, 4. Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. When I am clean, dilly dilly, you shall be clean. Who told you so, dilly dilly, who told you so? 'Twas my own heart, dilly dilly, that told me so. Call up your man, dilly dilly, set them to run. Tied to the plow, dilly dilly, soon to the fall. Some to make hay, dilly dilly, soon to cut corn. While you were
sing dilly dilly in the left way. We shall be safe dilly dilly out of harm's way. I love to dance dilly dilly, I love to sing. When I am queen dilly dilly, you'll be my king. You told me so dilly dilly, you told me so. I told myself dilly dilly, I told me so. Very, very beautiful, Sani. Thank you very much. Yes, don't worry. हम ये आगे के सेशंस में भी हम ये रिपीट करेंगे ताकि आप सभी लोग इस बॉडी वेव डांस फॉर्म के साथ फेमिलियर हो जाओ. आप सभी लोगों के लिए हम सेशंस वापस रिपीट करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. जितने भी हमने अभी तक सेशंस किए हैं उसका एक रिकैप सेशन भी हम रखेंगे सभी के लिए. तो आई थैंक यू दीता सडवलकर हु जस्ट 8 years old gymnast. थैंक यू दीता. And thank you, Sayukta, for a lovely demonstration of ballet body weight. Okay, today we finish our body wave session over here. I request, today I would like to request my guru, Mrs. Varsha Upadhe ma'am. Inka main pehle swagat karti hu ke wo aaj yahan par aaye hai. Aur unko request karti hu कि वो हम सभी को जितने भी लोग हम उपस्थित हैं उनको एक मार्गदर्शन करें. निकिता मैम, क्या आप वर्षा मैम को स्पॉटलाइट पे ले सकते हैं? यस यस, आई हैव गॉट हर. आई जस्ट शी इज बाय नेम मनीष उपाध्याय. M-A-N-I-S-H. Okay, there's someone called Varsha Gymnast. Is that her? No. Okay. She has logged in with Manish Upadhyay's name. Okay, I'll just check. Yes. Can you take her on spotlight? Yes, I've made her the co-host. Okay. Hello everyone, can everyone hear me? Yes, Varshatai, we can hear you. First of all, welcome. Or we all, hum sabhi ko aap margadarshan kare. So I request you to address some words to our gymnast and the dignitaries present here. Yeah, thank you, Pooja. Thank you, first of all, Sports Authority of India for this great initiative. And thank you, Pathania sir, for including all seniors and juniors together on the same platform. Actually, it is a proud moment to see my student taking this grassroots level program for Indian gymnasts and new upcoming gymnasts who are intent to make a career in rhythmic gymnastics. Pooja, actually, you took me in those good old days when we used to do a training. And whatever I started 20 years back, I'm very happy to see my students taking this beautiful woman-oriented sports, Olympic sports ahead. So I wish all of you best of luck. And Pooja, best of luck to you and your students also. And thank you very much for inviting me here. Thank you, Sports Authority of India, once again. Thank you. Thank you, Varsha ma'am. आपके वर्ड्स यस, ये गुड ओल्डन डेज हमें रिवाइव कर रहे हैं. ऑफ कोर्स मैं आपको रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगी कि आज का हमारा जो सेशन है आपने देखा तो आपको आपके जो एक्सपर्ट कमेंट्स है आप हमें दीजिए इस सेशन के बारे में. रिदमिक जिमनास्टिक्स वी ऑल नो दैट इट इज अ वुमन ओरिएंटेड स्पोर्ट्स and it has a lot of presentation skills required, artistry is required, your facial expressions, you have to do a lot of flexibility movements, elements coordinated with your dance
and your ballet sessions. So I'm sure in these next week, Pooja has included all of these things. And as she said that she's going to do a recap for all the small sessions, what she's taking. But what I feel is you may not be knowing the movements because you must be, many of you all are new and aap pehli baar kar rahe ho, wo jo bhi movements hain, but do it from the heart. You have to express your own personality in whatever you do because that is what is required in rhythmic gymnastics. You have to show your personality, your presentation style, and you have to enjoy the things, whatever you are doing. So that is what is rhythmic gymnastics basically. Thank you, Tai. Now I would like to request Kalpana Devnath ma'am to give her expert comments regarding the session. Kalpana ma'am? It's okay. Now you can hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, it was very nice session, Pooja. बहुत अच्छा किया बच्चे ने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है एंड दिस इज व्हाट वी रिक्वायर इन रिदमिक जिम्नास्टिक्स एंड कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया कुछ बच्चे नहीं अच्छा कर पाया कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इवन फॉर द इवन जो सीनियर जिम्नास्ट को भी सीखने में एक दिन में नहीं सीखते हैं एंड दे आर द वेरी यंग सो दे विल लर्न स्लोली स्लोली इट्स वेरी नाइस एंड दे आर दे कैन सी ना क्या होता है क्या होना चाहिए तो आज नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं वो कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे दिस इज व्हाट वी रिक्वायर इन रिदमिक जिम्नास्टिक्स सो कीप इट अप वेरी नाइस सेशन थैंक यू मैम थैंक यू ऑफ कोर्स हम ये पूरा सेशन जितने भी सेशन हम सीख रहे हैं हम ये रिकैप जरूर करेंगे ताकि हमारे बच्चों को इसका फायदा हो और वो अच्छी तरीके से समझ सके और रिपीट भी कर सके Pathania sir, welcome. Good morning, sir. Yes, good morning. Can I speak something? Yes, of course, sir. Varsha, good morning. It is a privilege for us, like you, gymnast and coaches, joined this grassroots level program as a expert. So, हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये एज एक्सपर्ट ज्वाइन किया और इस प्रोग्राम को और अच्छा करने के लिए आप अपने जूनियर पूजा को और प्रोत्साहन करोगे और आपकी गाइडेंस के अंदर में रह के शी विल लर्न मोर एंड स्टूडेंट विल गेट मोर गाइडेंस तो आप ऐसे ही करते रहिए और yes, उनको गाइड करते रहिए और ज्वाइन करके आप बच्चों को कुछ मार्गदर्शन देते रहिए Thank you, sir. Thank you. Now I would like to request Jasbir ma'am, please give your expert comments. Hello. Yes, ma'am. We can hear you. Hello. Good morning to you all. Good morning, sir. Pathania, sir. Good morning, ma'am. Yes. Pooja, आज का session बहुत अच्छा रहा और मुझे लगा कि आज बच्चों ने अच्छे से enjoy भी किया. First of all मैंने ये देखा कि जो बच्चे कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर पा रहे जो नहीं भी कर पा रहे वो भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे कि वो भी कुछ बेटर करें और जो म्यूजिक है बेटे आपको अपनी फीलिंग्स अपने बाय हार्ट उस म्यूजिक को फील करके अपने बॉडी को वेव्स देने हैं आप जो छोटे बच्चे हैं बहुत जिनको मैंने देखा कुछ लाइक गुरमन थी नविका थी हर्षिता थी और वो बहुत अच्छे से पिकअप कर रहे थे वो करने की कोशिश कर रहे थे एंड यू नो जो आपकी प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन आप जितनी बार उसको करेंगे आप उतना ही अच्छा करेंगे और पूजा मुझे ये अच्छा लगा कि आपने उनको धीरे धीरे प्यार से समझाया और बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा था तो हम इसको बार बार रिकैप और जो रिपीट करके इनको और परफेक्ट कर सकते हैं तो बच्चे आप सब अच्छे से करिए और अपना भी अपना बेस्ट करिए और जो आगे है मैं यही कहूंगी कि इनको अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रखनी चाहिए घर में आप म्यूजिक लगाएं और उसको बार बार करें
अपने दिल से करें, म्यूजिक को फील करके अपनी बॉडी का एक्सप्रेशन दें, चाहे वो साइड वेव्स हो, फ्रंट वेव्स हो, बॉडी वेव्स हैं, टोज हैं, है ना, उस सबको शोल्डर टाइट करके, नेक को, अपनी बॉडी हर, अपने हर पार्ट को अपने म्यूजिक के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. थैंक यू सर. थैंक यू पूजा. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर योर लवली वर्ड्स जिमनास्ट. तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन के बारे में भी आपको अभी इंस्ट्रक्शन देंगे. हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो ट्यूजडे को होगा मॉर्निंग 8 o'clock. हम फ्लेक्सिबिलिटी अटेम्प्ट करने वाले हैं. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द जिमनास्ट कि आप 7:45 को यहाँ पर हाजिर रहे. हम हमारा फ्लेक्सिबिलिटी सेशन करेंगे ऑन ट्यूजडे और आप सीखेंगे कि किस तरीके से बेसिक से लेके हम फ्लेक्सिबिलिटी शुरू करते हैं. हमारे ईच पार्ट, हमारा जो बॉडी शरीर का हर एक हिस्सा है उसे हम स्ट्रेच करने वाले हैं ताकि आपकी फुल बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए. ठीक है, तो हियर वी वाइंड अप. हेलो पूजा. यस मैम. इनको मंडे से हमारा जो डेवलपमेंटल एलाइट बच्चों के लिए उनके बारे में भी बता दीजिए. यस पठानिया सर आप बता रहे हैं. यस यस यस. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू ज्वाइन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए डेवलपमेंटल एथलीट कोच एंड एजुकेशन प्रोग्राम फ्रॉम मंडे टू ऑनवर्ड 8th जून. 4 o'clock we will start rhythmic. So I request all players to join by 3:45 or 3:50. And for artistics, it will be from 5:15 to 6:15. So I request everybody, especially expert, because they are we have a same expert in a developmental group. So they should join there also. Thank you. Thank you Pathania sir. Thank you very much. So हम हमारा जो session है आज का हम wind up करते हैं और हम सभी लोग मिलेंगे Tuesday morning 8 o'clock. पूजा एक बार आप भी कर दीजिए announce. What about tomorrow? Development के बारे में आप announce कर दीजिए पूजा. Yes sir. Yes sir. यस सर. यस सर. हमारा एक डेवलपमेंटल कोर्स भी होगा और वो शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक भी होगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक. तो आप सभी बच्चों को ये अपील है कि आप डेवलपमेंटल कोर्स भी अटेंड करिए ताकि आपको बेसिक्स और एडवांस हम दोनों सेशन साइड बाय साइड लेने वाले हैं तो आप सभी को उसका फायदा हो जाए. और सेकेंड सेशन का भी होगा जो 5:15 टू 6:15 होगा, तो वो भी डेवलपमेंटल कोर्स है और आपको एडवांस्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स के बारे में भी पता चलेगा. सो इट इज रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट अटेंड बोथ द डेवलपमेंटल कोर्स एज वेल एज द ग्रासरूट्स कोर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और ये सभी कोर्सेज आपके फायदे के लिए हो रहे हैं, आपको अच्छा बनाने के लिए हो रहे हैं. तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप दोनों ग्रास रूट और एडवांस कोर्सेज अटेंड करिए. हेलो पूजा. यस मैम. कुछ लोग वो सॉन्ग के बारे में पूछ रहे हैं कि सॉन्ग का टाइटल क्या है और उनको बताइए कि अगर उनको ये अवेलेबल नहीं है तो दूसरा क्या ले सकते हैं. और कुछ लोग डाइट के लिए भी पूछ रहे हैं. यस यस यस. सॉन्ग के लिए ये है कि आप लैवेंडर्स ब्लू डिली डिली जो सिंड्रेला मूवी का सॉन्ग है, ठीक है, तो उस सॉन्ग पे हमने आज किया है. द नेम ऑफ द सॉन्ग इज लैवेंडर्स ब्लू. मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ आप लोगों के लिए फॉर एवरीवन. चैट बॉक्स में. हां जी. यस यस आई विल टाइप इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट अबाउट टुमारोस प्रोग्राम दैट आल्सो अनाउंस. पठानिया कल के प्रोग्राम के बारे में. टुमारो ma'am, tomorrow we don't have any sessions. We'll continue with the grassroots level rhythmic sessions from Tuesday again, 8 to 9 a.m. Chat box में कुछ लोग diet plan के लिए भी लिख रहे हैं. Yes ma'am, हम वो diet का session कर लेंगे पूरा तो बच्चों को उसके बारे में सारी knowledge हो. अभी half half हम देना नहीं चाहते तो एक पूरा session हम diet के लिए भी रख देंगे ma'am. ओके
So do we wind up, sir? Pathania, sir? Yes. Okay. Thank you, gymnasts. Thank you, parents. Thank you, all degree attendees, experts. Please announce for tomorrow program also, no? Ma'am, what about tomorrow? Ma'am, tomorrow we don't have any session. We'll continue with the grassroots level rhythmic gymnastics for Tuesday again, 8 to 9 a.m. Yes, and thank you. No yoga tomorrow? Kalpana ma'am, there will be no program tomorrow. Okay. Okay. Thank you, gymnast. Thank you very much. See you on Tuesday. I will miss you for so many days. And I will hope that we meet again very, very soon. Bye, gymnast. Take care.